Hey, what's up, Legit Gang? और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं जास के ट्रैक पर yes. जिसका नाम है बनफाइट और साथ में फीचरिंग है नबील अकबर. बनफाइट से लग रहा है कि रोटी की लड़ाई yes. कुछ ऐसा भी हो सकता yes. है रेफरेंस, बाकी पता नहीं. और चूतड़ का होगा तो पता नहीं बन अगर उसको कह रहा है तो yes. बाकी अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको पता है हम यहाँ पे कम्युनिटी बिल्ड करें जो कि सिर्फ रियल हिपहॉप को सपोर्ट करती है. सो लेट्स गो मैन. पिछला गाना सुना था जास का जो बैलेंस का था वो भी मस्त था भाई बहुत. तो लेट्स गो मैन इस गाने की वाइब लेते हैं. सेकंड ट्रैक है शायद इसका, ईपी एल्बम है ये हमें पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा क्योंकि बहुत टाइम पहले गिरा था. हाँ. तो याद नहीं. तो लेट्स गो मैन. वाइब तो अच्छी आ रही, बीट में वाइब बहुत. अब करता मन की थोड़ी सुनता बस सगो की ये चोट के बातें बोले करते हम बच्चों दी क्या सुनूं उन बच्चों की लगते सारे मुझे फोन ही करे ग्राम पे शोर जो रैपर्स कहते रहते लोग की हाँ ना गली से ना गटर से बेचैनी मेरी स्टोरी हाँ. भाई साहब रोशन और मैं अभी बात कर रहे थे भाई इस टॉपिक पे ही बात कर रहे थे. रोशन नहीं कह रहा अंडर आर्टिस्ट जितना अंडरग्राउंड होता जाएगा उस दिन गली से गटर नाला सड़क वो ऐसे करके मतलब नीचे चला जाता है. रोटी की बात कर रहा है मतलब खाने की बात कर रहा है. इधर हमारे यहाँ बन नहीं चलता, रोटी की ज्यादा वो चलती है या ब्रेड एक तरीके से ले लो. हाँ. तो बन नहीं यूज होता. तो तब हम वो इस पे चर्चा कर रहे थे और एक गटर और ये वाली लाइन मारी थी रोशन ने की भाई ऐसे ऐसे हो रहा है समझा रहा था मेरे को. उन्होंने पहली लाइन यही बोल दी. कोइंसिडेंस भाई कोइंसिडेंस. और बहुत बार होता है भाई हमारे साथ ऐसा, बहुत बार हो रहा है भाई ऐसा. तो लेट्स गो मैन. इस पे सब्सक्राइब करके जाना. ये चोट के बातें बच्चों की लगते सारे मुझे फोन ही करे ग्राम पे शोर जो रैपर्स कहते रहते लोग की हाँ ना गली से ना गटर से बेचैनी मेरी स्टोरी हाँ ले ली गाड़ी डिसेंट तक की चाहिए थोड़ी स्पोर्टी हाँ अच्छा, ना चाहिए जैसा बोलते हैं ना कि यास ने वो चीज नहीं देखी. यास ने वो चीज नहीं देखी तो ये वो गली वाली बातें नहीं करता स्ट्रीट वाली. तो वो वही कह रहा है कि मैं ना उससे ना उससे तो वो हाँ मैंने देखा था से बेचैनी मेरी स्टोरी हाँ ले ली गाड़ी डिसेंट तक की चाहिए थोड़ी स्पोर्टी हाँ ना चाहिए बस हल्के पेट वाले दोस्त मुझे मरते दम तक साथ और जो हाजिर होते फौरी हाँ जो बीच में एक भरवाती तो पूरी टीम ही ना बिना है दिल साफ अब तो खाए ना कोई खारी ना यहाँ फड़वत वहाँ फड़वत. भाई लाइन ऐसा लग रहा है कि डिस्ट्रैक्ट ना हो कहीं. हाँ, पुराना बनाया होगा ना ऐसा लग रहा है. लाइन ऐसे लग रहा है सैवेज को लग रहा है ऐसा लग रहा है सैवेज वाला बात लग रहा है. और कुछ लाइन उमर अंजुम वाली लगी मेरे को यहाँ पे लगा मेरे को अरे दोस्त मुझे मरते दम तक साथ और जो हाजिर होते फौरी हाँ जो बीच में एक भरवाती तो पूरी टीम ही. ये यहाँ की लाइनें और जो एक कॉल पे हाजिर होते ये वो लाइनें भी मैंने सुनी. या वो कह रहा है कि ऐसे बंदे चाहिए हाँ. या नहीं चाहिए क्या कह रहा है वो मेरे को नहीं पता लग रहा. टोंट मार रहा है हाँ. या सही में कह रहा हाँ. है वो समझ में कि नहीं आ वो जो हाँ. बात कर रहे हैं वो बात मैं नहीं करता हूँ हाँ. तो उस चीज को ऐसा मजाक सा उड़ाने हाँ. वाला है हिसाब किताब से नहीं करे ग्राम पे शोर जो रैपर्स कहते रहते लोग की हाँ ना गली से ना गटर से बेचैनी मेरी स्टोरी हाँ ले ली गाड़ी डिसेंट तक की चाहिए थोड़ी स्पोर्टी हाँ ना चाहिए बस हल्के पेट वाले दोस्त मुझे मरते दम तक साथ और जो हाजिर होते फौरी हाँ जो बीच में एक भरवाती तो पूरी टीम ही ना बिना है दिल साफ अब तो खाए ना कोई खारी ना यहाँ फड़वत वहाँ फड़वत फड़वों की सैरी ना दिखे रहा पर मालिश जब भी देखे वफादारी पर कईयों के लिए पड़ गए मुझ पे ही मेरी वफा भारी. Now I gotta do it on my है भाई बात जारी है. हाँ, लग रहा है कि अब ग्रेजस निकाल रहा है अपना दुख जो भी है बोल रहा है पर हाँ जो भी है या तो पहले का लिखा हुआ है क्योंकि इसका और उमर का तो स्क्वाश हो गया अभी मतलब हो गया ठीक. सैवेज से भी है और ये लाइन है पूरी सैवेज वाली लग रही है. वो ऐसे रेफरेंस मारता है और इसी तरीके से रैप करता है. ये तक वफादारी पर कईयों के लिए पड़ गई मुझ पे ही मेरी वफा भारी. Now I gotta do it on my own. Bitch I'm Denizzy on stage. हाँ जला दिया मैंने throne. भड़वा सुन लेता bitch I'm Jimmy Conway. पूछे टॉप किधर बोला bitch. मैंने जला दिया Game of Thrones में था क्या कोई करेक्टर मेरे को नहीं लगता Game of Thrones में था किसी और का होगा तो मुझे नहीं पता. Do it on my own, bitch I'm Denizzy on stage. हाँ जला दिया मैंने throne. भड़वा सुन लेता bitch I'm Jimmy Conway. पूछे टॉप किधर बोला bitch I'm on the way. जो करते doubt उनकी आए नया आवाज करना खास होता zest कोई ना करता मेरे songs play. क्यों chase करें cloud? शो पे किधर तेरा क्राउड नहीं है कोई तुझसे प्राउड मैं तो बोलो नहीं है ज्यादा यहाँ पे म्यूजिक बजे लाउड सिर्फ अब परसों सैवेज और उसका शो भी था पता है अच्छा उमर अंजुम और उसका हाँ,
सीन चल रहा है तो बोलो नहीं है ज्यादा यहां पे म्यूजिक बज लाउड सिर्फ एक्ट अप जैसे चाहता ये तो गन फाइट भाग रहे पर जब मैं कॉल करूं 15 उस सीज पे ये खेले सारे रन हाइड नर नहीं है लौंडे के तो सब भी चाहते बन फाइट ब्रो क्रैबर तू भी दिए मैंने दांत तोड़ सांप खा रहा जैसे एजेंसी का मारखोर जो भी बैठा तू बस जाके मेरा नाम बोल मैं भी देखूं कौन मुझे जाने नहीं हरामखोर बड़ी बातें मगर असर नबील भाई फुल गैंगस्टर ब्रो कौन नहीं जानता मेरा नाम मैं भी तो देखूं जो भी बैठा तू बस जाके मेरा नाम बोल मैं भी देखूं कौन मुझे जाने नहीं हरामखोर बड़ी बात है मगर असल में तू काम चोर हाथों हाथ लिखा हर एक गाना हार्डकोर हाले जिंदगी पे हम तो पले गंदगी में चली गोली गिरे बॉडी अब ठिकाने लगा लाश को हर एक लफ्ज को मैं नाप तोल रहा हूँ कभी मिटे ना शक्ल पे ऐसे दाग छोड़ जाऊं कुछ कहूंगा तो बोलेगा मैं रास खोल रहा हूँ पहचाना नहीं क्या मुझे तेरा बाप बोल रहा हूँ मेरे मुंह पे थूक दे अगर ये बातें झूठ है मैं एक कदम भी हटता पीछे सारे तुझ पे टूटते फैक्ट बोल रहा है ब्रो कह रहा है कि थूक दे मुझे भाई अगर मैं झूठा हूँ तो थूक दे भाई और ये स्टेटमेंट देनी भाई आसान बात नहीं है भाई मतलब उसे पता है तो तभी वो बोल रहा है भाई तो बस खोल रहा हूँ पहचाना नहीं क्या मुझे तेरा बाप बोल रहा हूँ मेरे मुंह पे थूक दे अगर ये बात झूठ है मैं एक कदम भी हटा सारे तुझ पे टूटते जिस थाली में खाया गया उसी में तू मूत के ऐसा करके बोल तुझे क्या मिला वे चूतिए छोड़ जाने दे सारे तू कमाले बे मैं ऊपर तेरी पहुंच से नहीं आना तेरे बारे में मेरे बारे में तू जिससे मर्जी पूछ ले अकेले किया सफर मैंने खुदा के सहारे पे लालच पूरी भला जब तू अपनों का निशा तो फिर जितना भी कमाया तूने सब पे तेरे लानत है मुंह पे मीठे मगर दिल में तेरे कालक है पीठ पीछे बोले काफी नीच तेरी आदत है सही बात पीठ पीछे बोलना तो नीच आदत होती है ब्रो जो बोलना है पीछे फ्रंट पे बोलो भाई फेस टू फेस पीठ पीछे बोलना इट्स नॉट आदत है मर्दानगी वाली बात फ्रंट पे मीठा बन रहा है तो मीठा मत बन तेरा क्राउड नहीं है कोई तुझसे प्राउड मैं तो बोलो नहीं है ज्यादा यहाँ पे म्यूजिक बजे लाउड सिर्फ जैसे चाहता ये तो गन फाइट भाग रहे पर जब मैं कॉल करूं 15 उस सीज पे ये खेले सारे रन हाइड नर नहीं है लौंडे ये तो सब भी चाहते बन फाइट ओके ब्रो बहुत बढ़िया ट्रैक है भाई yes. ये इसकी तरफ से रिप्लाई है बोला जाए तो या आप अपनी तरफ से क्लियर कर रहा है जो भी बात है तो नबील भाई साहब खा गए हाँ उनका और है भाई नबील अकबर का और है वो तो दिख रहा है भाई वो लिखाई और वो स्ट्रगल ना जब पेन चलते तो पता चल जाता है भाई हाँ। मतलब भारी पड़ गया इस जास पे ना वो है ये नहीं है कि वो कम है हाँ। पर वो ज्यादा जानते हो भाई नबील अकबर को भाई जो जानता है वो समझता टाइट है लिखाई भाई यस मतलब ये बोला यस सो लेट्स गो मैं मतलब कान लगे रह रहे हैं उनके साथ ना जब वो बोल रहे हैं तो कान लगे रह रहे हैं कि सुनने का मन कर रहा है एक्स्ट्रा कि सब समझ में आए 40-60 वाला गेम हाँ एकदम 50-50 तो है पर इतना गाना सही है ब्रो मतलब वही है कि पहली मतलब बहुत टाइम बाद आज की तरफ से कुछ सुनने को मिला ना तो वाला सीन है और ऐसा सोचा नहीं था ऐसा होगा हाँ बढ़िया है पर बहुत सही ट्रैक है सो लेट्स गो मैन लेट्स गो उधर से बात चालू हो रही है बीफ होने वाली है या नहीं होने वाली है रिप्लाई आता नहीं आता वो बात की बात है पर मस्त ट्रैक है भाई अपनी तरफ से जो बोला है बढ़िया हाँ जी बाकी आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन वो बताएं चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए